हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 5 हिंदी का दूसरा पाठ, फसलों के त्यौहार। कल हमने आपको इसमें एक प्रश्न लिखाया था, भाषा तेरे रंग अनेक। इसमें हमने आपको एक प्रश्न लिखाया था कि निम्न उदाहरणों पर जानकारी इकट्ठा करें। तो हमने आपको इसका जो प्रश्न लिखाया था वो इस तरह से था, निम्न उदाहरणों पर जानकारी इकट्ठा कीजिए। भारत की भाषा कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, नया वर्ष मनाने का तरीका कैसा है, भारत का भोजन क्या है, भारत की लोक कला कैसी है और लोक संगीत क्या है, इस पर हमें जानकारी इकट्ठा करनी है। तो हम इसका उत्तर आपको लिखा रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले भाषा। भारत की भाषा, तो इसमें लिखेंगे हम भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बोली जाती हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, गुजरात में बोली जाने वाली भाषा गुजराती, हिंदी बोली जाती है, मराठी, मुंबई में बोली जाने वाली भाषा मराठी, बंगाली, बंगाल में बोली जाने वाली भाषा बंगाली, गढ़वाली, ये हमारे गढ़वाल में बोली जाती है गढ़वाली भाषा, तमिल, दक्षिण की भाषा, जो दक्षिण के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे तमिलनाडु, वहाँ पे तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, असमिया, आसाम की, सिंध, मलयालम, आदि। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगाली, यहाँ पे बंगाली होगा ये, बंगाली, गढ़वाली, तमिल, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, असमिया, सिंध और मलयालम, ये आदि भाषाएं भारत में
बोली जाती हैं। उसके बाद अगला है कपड़े। भारत के कपड़े यानी वेशभूषा कैसी है भारत की? कपड़े में हम लिखेंगे भारत के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में, भारत के हर प्रांत में मुख्यतः साड़ी सूट लहंगा, साड़ी सूट लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती धोती कुर्ता लुंगी पायजामा पहना जाता है, एक बार फिर से इसको देखें। भारत के जो कपड़े हैं वेशभूषा है, भारत के हर प्रांत में मुख्यतः साड़ी सूट लहंगा ही स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। पुरुषों में धोती कुर्ता लुंगी पायजामा पहना जाता है। अगला है नया वर्ष। नया वर्ष तो यहाँ पे भारत के सभी प्रांतों में नया वर्ष मनाने की अलग-अलग परंपराएं हैं, तो इसका लिखेंगे हम भारत में अलग अलग प्रांतों पर अलग 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 जगहों पर या प्रांतों पर अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग होता है।
अलग अलग होता है। जैसे पंजाब में वैसाखी, वैसाखी के रूप में नया साल मनाया जाता है। पंजाब में वैसाखी, आंध्र प्रदेश में उदागी, उदागी के रूप में त्यौहार मनाया जा नया साल मनाया जाता है, नया वर्ष मनाया जाता है। केरल, और तमिलनाडु में विशु, विशु के रूप में नया साल मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में नया साल मनाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। भारत में अलग अलग जगहों पर नया वर्ष मनाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे पंजाब में वैसाखी, आंध्र प्रदेश में उदागी, केरल और तमिलनाडु में विशु, और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। अगला है भोजन। भारत में जो अलग अलग प्रांत हैं उनका भोजन कैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। जैसे पंजाब में छोले भटूरे, पंजाब में छोले भटूरे छोले भटूरे राजमा
मक्के की रोटी, और सरसों का साग, सरसों का साग। तो यहाँ पे एक बार फिर से भोजन में देख लेते हैं, भारत में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। जैसे पंजाब में छोले भटूरे, राजमा, मक्के की रोटी और सरसों का साग। के बाद आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी भारत में दक्षिण भारत में क्या मिलता है? डोसा, इडली, सांभर। डोसा, इडली और सांभर, ये दक्षिण भारत का भोजन है। गुजरात में क्या मिलता है? ढोकला, ढोकला और खाखरा, ढोकला और खाखरा, ये गुजरात का भोजन है। कश्मीर में क्या मिलता है? रोगन जोश, रीस्ता और दम आलू, ये कश्मीर का भोजन है, रोगन जोश, रिश्ता और दम आलू। इसके बाद बंगाल में क्या मिलता है देखते हैं। बंगाल में जो है प्रसिद्ध भोजन माछ भात, यानी मच्छी भात। मछली सबसे ज़्यादा खाई जाती है बंगाल में, मछली और चावल। सुक्तो एक भोजन का नाम है बंगालियों का, सुक्तो। मिष्ठी दोई, ये बंगाल का भोजन है। उसके बाद राजस्थान में क्या मिलता है? दाल बाटी, चूरमा। और गट्टे की सब्जी, गट्टे की सब्जी। तो यहाँ पर फिर से इसको देख लेंगे, दक्षिण भारत में क्या मिलता है? डोसा है, इडली है और सांभर। गुजरात में ढोकला और खाखरा। कश्मीर में रोगन जोश, रिश्ता, दम आलू। बंगाल में माछ भात, सुक्तो, मिष्टी दोई
और राजस्थान में दाल बाटी, चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो ये भारत के विभिन्न प्रांतों का भोजन है। उसके बाद अगला है लोक कला। कला संस्कृति कैसी है भारत की? प्रतीक, भारत में प्रतीक राज्य की या प्रांत की? प्रत्येक प्रांत की, प्रांत की लोक कला। लोक कला प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। वहाँ की संस्कृति संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी, मधुबनी ये बिहार की लोक कला है। इसके बाद चित्तर ये दक्षिण भारत की लोक कला है। इसको आप लिखेंगे दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। तंजावुर तमिलनाडु। थंगक, थंगक है तिब्बत की लोक कला। तिब्बत की लोक कला पात चित्र। पात चित्र है उड़ीसा। पात चित्र उड़ीसा। पिछवाई तथा फड़, ये लोक कला कहाँ की है? राजस्थान की। तो एक बार फिर से लोक कला को देख लेते हैं। भारत में प्रत्येक प्रांत की लोक कला वहाँ की संस्कृति का परिचय देती है। जैसे मधुबनी बिहार, चित्तर दक्षिण भारत, तंजावुर तमिलनाडु, थंगक तिब्बत की, पातचित्र उड़ीसा, पिछवाई तथा फड़ यह राजस्थान की लोक कला है। इसके बाद
लोक संगीत लोक संगीत तो लोक संगीत में लिखेंगे कजरी, सावन, और चैता। ये तीन जो लोक संगीत हैं वो कहाँ कहाँ के हैं? बनारस, कजरी जो है बनारस का है, सावन जो है मिर्ज़ापुर का है, और चैता जो है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश यहाँ के ये लोक संगीत हैं। अगला है सोहनी महिवाल। सोहनी महिवाल, ये लोकगीत भी हैं उनके, लोक संगीत ये गाए जाते हैं वहां पे। और हीर रांझा, हीर रांझा, सोनी महिवाल और हीर रांझा जो लोक संगीत है वो कहाँ का है? पंजाब का, पंजाब। ढोला मारू एक लोक संगीत है, ढोला मारू। ढोला मारू जो है राजस्थान का लोक संगीत है, राजस्थान का। विदेशिया, विदेशिया जो लोक संगीत वो कहाँ का है? बिहार। विदेशिया बिहार का। गरबा, गरबा नृत्य आपने देखा होगा, ये गुजरात का। गरबा कहाँ का है? गुजरात। और रसिया, रसिया जो है वो ब्रज, ब्रज का लोक संगीत है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, कजरी, सावन और चैता जो हैं बनारस, मिर्जापुर और उत्तर प्रदेश। सोनी महिवाल, हीर रांझा पंजाब के, ढोला मारू राजस्थान, विदेशिया बिहार, गरबा गुजरात और रसिया ब्रज का लोक संगीत है। तो आपको ध्यान से अपनी कॉपी में इनको करना है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है? अब इस त्यौहार के बारे में आपको स्वयं करना है, खुद लिखना है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है। तो इसमें आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है ये आपको क्या करना है, एक पेज में इसको आपको इसी हिंदी की कॉपी में एक पेज में इस त्यौहार के बारे में लिखना है कि आपको कौन सा, किसी को हो सकता है होली अच्छा लगे, किसी को दीपावली अच्छा लगे, किसी को बसंत पंचमी का त्यौहार अच्छा लगे। तो बहुत सारे जो त्यौहार हैं भारत में, आपको उनमें से कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है आपको इसके बारे में खुद लिखना है यहाँ पे।
और क्यों अच्छा लगता है, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है, इसके बारे में आपको एक पेज में इस त्यौहार के बारे में लिखना है। चाहे आप इसको इस प्रश्नोत्तर के समाप्त होने पर अंतिम पेज पर भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको स्वयं करना है कि आपको कौन सा त्यौहार अच्छा लगता है। आप अपने माता पिता की सहायता से और अपने फ्रेंड्स, अपने मित्रों और अपने दोस्तों की सहायता से भी इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल का किन-किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। हमारा अगला प्रश्न है, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत बड़ा बड़ा महत्व होता है। तिल का किन-किन रूपों में तिल का किन-किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, किया जाता है। तो फसल के त्योहार पर तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। तिल का किन-किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका उत्तर लिखेंगे। तिल एक तिलहन है। जैसे हम दाल को दलहन कहते हैं, वैसे ही तिल को क्या कहा जाता है? तिलहन, जिससे क्या तेल निकाला जाता है। तिल एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है, इससे तेल निकाला से तेल निकाला जाता है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल के रूप में किया जाता है, बीज तथा तेल के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में, बीज के रूप में भी और तेल
तेल के रूप में भी, बीज तथा तेल दोनों रूपों में किया जाता है, किया जाता है। इसके बीज से, अब बीज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इसके बीज से गजक और रेवड़ी बनती है। गजक आपने खाई होगी ना, गजक, गजक और रेवड़ी। गजक जो होती है वो मुलायम होती है और रेवड़ी थोड़ी ठोस होती है। और रेवड़ी, गजक और रेवड़ी बनती है। जो तिल का उसमें इस्तेमाल होता है उसको बाहर से चिपकाया जाता है गजक और रेवड़ी में, आयुर्वेद में आयुर्वेद में तिल का प्रयोग, आयुर्वेद में तिल का प्रयोग दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है, दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है, किया जाता है। इसका उपयोग पूजा हवन आदि, पूजा हवन आदि, पूजा हवन आदि में भी किया जाता है, में भी किया जाता है। इसका उपयोग पूजा हवन आदि में भी किया जाता है। इसके तेल का दिया, इसके तेल का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है, जलाना भी शुभ माना जाता है, शुभ माना जाता है। एक बार फिर से इस प्रश्न को फिर से ध्यान से देख लीजिए। फसल के त्योहार पर तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर है, तिल एक तिलहन है, इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल के दोनों रूपों में किया जाता है। इसके बीज से गजक और रेवड़ी बनती है। आयुर्वेद में तिल का प्रयोग दवाई बनाने के लिए भी किया
जाता है। इसका उपयोग पूजा, हवन सामग्री या हवन आदि में भी किया जाता है। इसके तेल का दिया जलाना भी शुभ माना जाता है। तो तिल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये आपको यहाँ पर लिखा दिया है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से इन प्रश्नों और इनके उत्तरों को अपनी कॉपी में आपको लिखना है और अच्छी राइटिंग में आपको ये अपनी कॉपी में नोट करना है। इसके बाद हम अगले भाग में इस पाठ के शेष अन्य प्रश्नों को कराएंगे।